वेट क्लासेस की क्या जरूरत है, अच्छे फाइटर्स तो वैसे भी जीत जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे झंडुओं से मैंने भी बहुत बात करी है और आई एम श्योर तुम लोगों को भी बहुत मिले होंगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वेट क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है और हबीब हैवी वेट्स को हरा सकता है, मैक्रेगर हैवी वेट्स को हरा सकता है और हॉलोवे को हैवी वेट में लड़ना चाहिए, लुक नो फर्दर, पिछले हफ्ते केविन हॉलैंड और चार्ली ऑन्टिवेरोस। चार्ली एक वेल्टरवेट है जो मिडिल वेट फाइट लड़ रहा था, ऑल्दो चार्ली के पास ब्लैक बेल्ट है कराटे और ताइक्वांडो में, जिस वेट कैटेगरी में लोग 200 पाउंड से वेट कट करके 185 पे आते हैं, चार्ली अपने मैक्स 183 में आया था। ऐसा नहीं है कि चार्ली लड़ नहीं पा रहा था, चार्ली स्टार्टिंग में सक्सेसफुल भी था, हिज पार्शली लैंडेड एक्स किक एंड ही इवन ड्रॉप्ड केविन विद द काउंटर, बट जैसे ही ग्रैपलिंग एक्सचेंज हुआ एंड दे मेड कॉन्टैक्ट, द पावर डिफरेंशियल वॉज ऑब्वियस, केविन बुलीड चार्ली। स्कूल में जब एक 9वीं का लड़का एक 5वीं के लड़के को मारता है वैसा लग रहा था, चार्ली कुछ भी नहीं कर पाया, केविन बैठ गया उसके ऊपर एंड चार्ली जितनी भी कोशिश करता, उठने की कोशिश करी तो पटक दिया उसको, एंड इफ यू नोटिस द एंड ऑफ द फाइट, चार्ली स्मैक्ड हिज हेड ऑन द कैनवस, देयर वॉज नो टैप, वो चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी बेचारी की। आई मीन आई गेस ही इज फाइन नाउ क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्कैन्स में कुछ नहीं दिख रहा है, बट दिस कुड हैव वेरी वेल बीन द एंड ऑफ चार्लीज करियर, एंड वो जवान है, मतलब अभी अभी शुरू किया है उसने लड़ना, एंड दिस कुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज करियर। एंड मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें लड़ना आता है तो तुम किसी को भी हरा सकते हो, लेकिन दिस इज अ फॉल्टी लॉजिक, दिस इज एज स्टूपिड एज अगर मैं सच में चीटिंग कर रहा हूं तो मैं अगले बॉल पर आउट हो जाऊंगा, बिकॉज दैट डज नॉट हैपन। मिक्स मार्शल आर्ट्स इज एज मच एन आर्ट एज इट इज अ साइंस, एंड साइंस के हिसाब से फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड मास इज वेट, एंड दैट इज वाई वी हैव वेट क्लासेस, एंड दैट इज वाई वी हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल डिविजन्स। सो द नेक्स्ट टाइम समवन टेल्स यू दैट वेट क्लासेस आर अननेसेसरी, शो देम दिस। बच्चे को हरा के केविन की चौड़ और बढ़ गई है, अभी केविन इजी से पंगे ले रहा है, देखते हैं क्या होता है। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस।